जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ओमर अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला, चीन को लद्दाख में आने से नहीं रोक पाए, मुझे कारगिल आने से रोक रहे हैं। पुणे में एक इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी भीषण आग, इसी बिल्डिंग में क्रिकेट जहीर खान का रेस्तरां। देश के स्टील बैंक जमशेद जे ईरानी का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मोरबी घटना पर जेडीयू नेता का पीएम मोदी से सवाल, कहा एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ फ्रॉड क्या है। राम रहीम विवाद पर सीएम खट्टर का बयान, बोले पैरोल पर रिहा हुए लोगों ने राजनीतिक रैलियां भी की हैं। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग, राहुल बोले मैं घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। अनुराग ठाकुर ने गुजरात हिमाचल में जीत का दावा किया, आप पर बोला हमला का पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार उपचुनाव में मोकामा और गोपालगंज में तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ जनसभा, ललन सिंह समेत कई नेता रहेंगे साथ। मध्य प्रदेश में आईएमए की मीटिंग में डॉक्टरों में चले लात, घूसे अभद्र टिप्पणियों पर भोपाल इंदौर ग्वालियर के डॉक्टर भड़के। हरियाणा सीएम को मिले गिफ्ट, होंगे नीलाम, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया उपहार पोर्टल, मनोहर लाल को 4000 बुक तोहफे मिले। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने दी एमपीओ दिवस की बधाई, बताया राज्य का विकास दर 19.76%। महाराष्ट्र के सोलापुर में कार ने श्रद्धालुओं को कुचला, 7 की मौत, पीड़ित परिवारों को सीएम देंगे 5-5 लाख देने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोरबी पुल हादसे का मामला, पीआईएल दाखिल कर न्यायिक आयोग बनाने की मांग की गई। राम रहीम की पैरोल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, नियमों की अनदेखी कर रहा है डेयरी मुखी, वापस जेल भेजने की मांग। कर्नाटक के इंजीनियरिंग छात्र को 5 साल की कैद, पुलवामा हमले का मनाया था जश्न। गाजियाबाद में 50,000 के इनामी को गोली लगी, उद्यमी के घर दिन दहाड़े डकैती डाली थी, उत्तराखंड में दर्ज है 15 मुकदमे। कानपुर में 3 फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी, यूपीसीबी के बढ़ते प्रदूषण के बाद की कार्रवाई। मेरठ में 16 घंटे में 2 मर्डर, दोस्त और भाई बने कातिल, कहीं भाभी के सामने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, कहीं 2000 रुपए का तगादे में मार डाला। आगरा में अवैध संबंधों के चलते 2 भाइयों में चली गोली, एक युवक की मौत, ऑटो से शव लेकर पहुंचे थाने परिजन। प्रयागराज में डेंगू मरीजों के प्लेटलेट्स की नहीं हो रही जांच, तीरमारदार बोले मच्छरदानी तक का इंतजाम नहीं। नौ में 21 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन निरस्त, फायर एनओसी के बिना चला रहे थे अस्पताल, सीएम ने जारी किया नोटिस।
कन्नौज में पुलिस ने दर्ज की जानलेवा हमले की रिपोर्ट। एसएचओ ने एक दिन पहले नकारी थी फायरिंग की बात। उन्नाव में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, काम करने गया था पति, 5 महीने से रह रही थी रिश्तेदार के घर में। फर्रुखाबाद जमीन विवाद में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, 5 लोग घायल, पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों को हिरासत में लिया। एफआईआर कराने वाले डॉक्टर पर मुकदमा, इलाज के नाम पर 20,000 रुपए मांग करने का आरोप, कार्रवाई न होने पर भाजपाइयों का प्रदर्शन। रायबरेली में फ्री कनेक्शन लेने वालों का बिल बकाया, अधीक्षण अभियंता ने उपभोक्ताओं से की बात, लापरवाही पर जेई को लगाई फटकार। भदोही में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में बिल न जमा करने पर कटी स्टेट बैंक की बिजली, जनरेटर से चल रहा है बैंक, रात्रि सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा। बागपत में दबंग ने परिवार से 7 साल तक कराई मजदूरी, पैसे मांगने पर की मारपीट, परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने को दे रहा है धमकी। उन्नाव में प्रधान के खेत पर कब्जे का प्रयास, विरोध पर प्रधान और ग्रामीणों के साथ मारपीट, दोनों पक्षों के 3-3 लोग हिरासत में। श्रावस्ती में लापता किशोर का गांव के बाहर मिला शव, 24 घंटे से गायब था, नाले में उतरता मिला, जांच में जुटी पुलिस। आगरा में साई की तकिया चौराहे पर हादसा, आज सुबह की टैंकर ने लोडिंग ऑटो को मारी टक्कर, 5 सवारी घायल, 2 की हालत नाजुक। फर्रुखाबाद में चला डेंगू जागरूकता अभियान, सीएमओ बोले बुखार को हल्के में लेने की भूल ना करें, घर के आसपास सफाई रखने की अपील की। ललितपुर में संदिग्ध अवस्था में किसान की मौत, भाई ने जताई सांप के काटने से मौत की आशंका, खेत पर सिंचाई का काम कर रहा था। रायबरेली में सड़क हादसा, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, 4 को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। बदायूं में सपा नेता के परिवार की हत्या, पड़ोस में आवाज भी नहीं पहुंची, 20 मिनट पहले घर से सभी गर्र चले गए थे। बिजनौर में परिवार परामर्श केंद्र ने परिवार टूटने से बचाए, काउंसलिंग के बाद साथ रहने को तैयार हुए दंपति, 2 को दोबारा बुलाया गया। महाराजगंज एसपी ने 11 थानेदारों का किया तबादला, 5 निरीक्षक, 10 उप निरीक्षकों का कार्यक्षेत्र बदला। संभल में सड़क हादसे में 24 लोग घायल, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने पिकअप को मारी टक्कर, रामनगर से लौट रहे थे घर। हरदोई में मामूली विवाद में निकले फरसे और तमंचे, युवक का तमंचा लहराने का वीडियो वायरल, पुलिस ने दबंग युवक को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में लाइसेंसी राइफल से फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल, शादी समारोह का बताया जा रहा है वीडियो। अयोध्या में ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर किशोर की मौत, मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जलालपुर शाहगंज रोड किया जाम।
गोंडा में खुलेआम हो रहा है असलाह का प्रदर्शन, पुलिस बनी अनजान, रौब जमाने के उद्देश्य से किया गया असलाह का प्रदर्शन। अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर मोरबी हादसे के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि, कहा मामले की जांच कराए सरकार। मऊ में जनसंपर्क के दौरान दो प्रत्याशियों के बीच हुई जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हिमाचल और गुजरात में रहेगी धामी की धमक, प्रचार अभियान में भरपूर उपयोग करेगी भाजपा। उत्तराखंड विधानसभा के निलंबित सचिव सिंघल को कारण बताओ नोटिस, 32 पदों पर भर्ती में अनियमितता का मामला। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के सलाहकार के स्वजन की कंपनी पर लटकी तलवार, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बैठी। उत्तराखंड में 15 नवंबर के बाद हो सकता है विधानसभा सत्र, स्पीकर ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। उत्तराखंड के देहरादून सीएससी में ड्यूटी के दौरान नशे में धुत था चिकित्सक, शासन ने उसकी सेवा को किया समाप्त। उत्तराखंड में कूड़े पर नगरपालिका बड़ा हाट ने खर्च के 5.50 करोड़ रुपए पर नहीं हुआ इसका समाधान। उत्तराखंड के देहरादून में कंट्रोल रूम में घनघनाते रहे फोन, अलग अलग गानों पर झूमती रही महिला कांस्टेबल, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के रुड़की में एटीएम कार्ड ब्लॉक होने का खचासा देकर खाते से 20,000 रुपए उड़ाए, गगनहर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। उत्तराखंड के हरिद्वार झोपड़ी में चल रहा था कैसीनो, फिल्मी स्टाइल में लगाते थे दाव, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा। गुजरात में पुल टूटने के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने जिला प्रभारियों से मांगा झूले पुलों का ब्यौरा। नैनीताल जिला पंचायत की बोर्ड बैठक, 5 लाख तक के काम ठेके पर नहीं, फिर से मस्टर रोल पर कराए जाएं। उत्तराखंड में नए अखाड़े को लेकर हरिद्वार में घमासान, भाजपा नेता ने बनाया 14वां अखाड़ा, संतों ने जताई आपत्ति। उत्तराखंड के नैनीताल में यूट्यूबर सौरभ जोशी के घर चोरी, ज्वेलरी व नकदी ले गए चोर, पूजा पाठ के लिए गांव गए थे स्वजन। उत्तराखंड विद्युत निगम बनाएगा जमरानी में पावर प्लांट, 14 मेगावाट बिजली उत्पादन पर खर्च होंगे 122 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में नमामि गंगे और पतंजलि के बीच अनुबंध, अब प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय। चीन में कोविड लॉकडाउन का अनोखा तरीका, लोग गा रहे हैं बप्पी लहरी का जिम्मी जिम्मी गाना। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ने किया सैन्य अभ्यास, तो आग बबूला हुआ, उत्तर कोरिया दिया अधिक शक्तिशाली उपायों की चेतावनी। मोरबी में पुल टूटने की घटना पर गुटेरेस ने जताया दुख, पीड़ितों के परिवार वालों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं।
इमरान खान, शैतान सुनने की भी जरूरत नहीं, नवाज शरीफ ने भाई शहबाज शरीफ को दी सलाह। पाकिस्तान में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.8 की तीव्रता से कांपी धरती। दुनिया भर के खालिस्तान समर्थकों को एकजुट कर रहा है पाकिस्तान, आईएसआई की घिनौनी साजिश। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 2 बम ब्लास्ट, अब तक 120 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने मार्शल लॉ पर शहबाज सरकार को दी चुनौती, बोले मुझे किसी का डर नहीं। अमेरिका को थैंक यू ना कहना, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पड़ा महंगा फोन पर भड़के जो बाइडेन। पाकिस्तान की कला छोड़कर चीन जाएंगे शहबाज शरीफ, भाई शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने की देंगे बधाई। मस्क ने ट्विटर के पूरे बोर्ड को निकाला, इससे पहले सीईओ पराग अग्रवाल समेत टॉप ऑफिशियल्स को निकाला था। आरबीआई ने पायलट डिजिटल करेंसी लॉन्च की, कैश रखने की जरूरत नहीं, 9 बैंकों के साथ सीबीडीसी होलसेल शुरुआत। अडानी ग्रुप का $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन प्लान, ग्रीन एनर्जी से लेकर हेल्थ केयर सेक्टर में 12.36 लाख करोड़ निवेश करेंगे गौतम अडानी। जल्द लॉन्च होगी मारुति ब्रेजा सीएनजी, 8.74 लाख, 13.05 लाख हो सकती है कीमत, पहली बार 2 फ्यूल ऑप्शन मिलेगी ब्रेजा में। डिविडेंड या बोनस शेयर दे सकता है एलआईसी, शेयरों में करीब 2% की तेजी, इश्यू प्राइस से अभी भी करीब 30% नीचे। सोना चांदी के दामों में गिरावट, अक्टूबर में 52,000 से फिसलकर 50,000 पर आया सोना चांदी, भी 4,000 से ज्यादा सस्ती हुई। नवंबर को आरबीआई की स्पेशल मीटिंग, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। कपूर वॉच कंपनी पर आयकर विभाग की दबिश, रोलेक्स और टैग ह्यूअर जैसे ब्रांड्स के रिटेलर है कंपनी। सेबी की कार्रवाई, मेहुल चौकसी, प्रतिभूति बाजार से 10 साल के लिए प्रतिबंधित, 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रा स्फीति बढ़कर 6.49% हुई, राजकीय घोषित घाटा वार्षिक लक्ष्य का 37.3%। पूरे फॉर्म से गुजर रहे केएल राहुल को मिला कोच, राहुल द्रविड़ का साथ, बोले वह जानता है कि उसने हमारा समर्थन है। गौतम गंभीर ने बाबर आजम को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले बाबर स्वार्थी हैं, उन्हें अपने बारे में नहीं बल्कि टीम के बारे में सोचना चाहिए। भारत के लिए बारिश बन सकती है विलेन, दोनों मैचों पर रद्द हुआ तो बिगड़ सकता है टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित। घरेलू क्रिकेट में रनों की बौछार करने वाली सरफराज खान को नहीं मिली टेस्ट टीम में जगह, फैंस को नहीं भारा ये फैसला।
क्लब का जादुई कैच जिसे देख बल्लेबाज के होश हवास भी ठिकाने नहीं रहे। भारत के सिमी सिंह आयरलैंड के हीरो, बल्लेबाज से गेंदबाज बने, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू। विराट कोहली के होटल रूम का वीडियो वायरल, प्राइवेसी में दखल खिलाड़ी मनोरंजन की चीज नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रनों से हराया, ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर पहुंची होस्ट टीम, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम। बीबीएबी ने टी20 में मचाया गदर, केवल 57 गेंद पर ठोके 162 रन देकर एबी डिविलियर्स के भी होश उड़े। आयरिश खिलाड़ी बैक के मैकार्थी ने बाउंड्री लाइन पर की हैरतअंगेज कालाबाजी, तो विरोधी की टीम बजाने लगी भी तालियां। कैटरीना कैफ ने शेयर किया वीडियो, बीटीएस वीडियो हेलोवीन फोटोशूट में पत्नी के लिए डायरेक्टर बने विक्की कौशल। अजय और अक्षय पर भारी पड़े ऋषभ शेट्टी, थिएटर ओनर्स ने हटाए थैंक गॉड और राम सेतु के शोज, कांतारे ने किया फिल्मों का रिप्लेस। मुखबिर का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर होगी सीरीज, सच्ची घटना से प्रेरित है कहानी। रितेश जेनेलिया के फिल्म मिस्टर मम्मी पर विवाद, प्रोड्यूसर आकाश चटर्जी ने मेकर्स पर लगाए कहानी चुराने का आरोप। चारू असोपा ने लगाए पति राजीव सेन पर गंभीर आरोप, बोली उन्होंने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान धोखा दिया था। बेटी मालती के बिना इंडिया लौटी प्रियंका चोपड़ा, एयरपोर्ट पर दिखी बेहद एक्साइटेड, यूजर्स बोली बेटी कहां है। योगा क्लास के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, 49 साल की उम्र में भी रोज एक्सरसाइज करती हैं एक्ट्रेस। मोनिका ओ माय डार्लिंग का ट्रेलर हुआ आउट, मर्डर मिस्ट्री में दिखे राजकुमार राव और हुमा कुरैशी की जोड़ी। जिम के बाहर स्पॉट हुई सारा अली खान, व्हाइट टॉप और रेड शॉर्ट्स में दिखी बेहद स्टाइलिश, फिटनेस देख फैंस हुए इंप्रेस। एक्ट्रेस रंभा का कनाडा में हुआ कार एक्सीडेंट, बेटी शासा हॉस्पिटल में एडमिट, एक्ट्रेस बोली दुआ करें। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।